राकेश कन्नौजिया, कोटेदार सुभाष नगर अयोध्या की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। खबर महोबा से है, जहां विधानसभा में पहला नामांकन कांग्रेस प्रत्याशी सागर सिंह का हुआ और कांग्रेस के प्रत्याशी सागर सिंह लगातार गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं। युवा वर्ग में सागर सिंह को लेकर विशेष उत्साह है। सागर सिंह का कहना है कि विधानसभा महोबा से निर्वाचित होने पर किसानों, मजदूर वर्ग और युवाओं के लिए रोजगार और गाँव के विकास, शैक्षिक व्यवस्था, सड़क, बिजली, पेयजल की व्यवस्था के लिए कार्य करेंगे। महोबा विधानसभा में विकास पूरा करने के लिए संकल्प ले चुका हूं और किसान वर्ग बैंकों के कर्ज से मुक्त करवाना मेरा उद्देश्य है। महोबा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सागर सिंह लगातार जनमानस के जनसंपर्क में हैं। देखा जाए तो युवा वर्ग और मजदूर किसानों का जन समर्थन मिलता भी नजर आ रहा है। महुआ विधानसभा में आज कांग्रेस प्रत्याशी श्री सागर सिंह जी का हुआ है नामांकन और सागर सिंह जी लगातार पिछले दो साल से जनमानस के बीच में लगातार कार्यरत हैं। लगातार उससे पहले भी कार्यरत थे, लेकिन चुनाव की सरगर्मियाँ जहाँ तेज हुई हैं वहाँ पर सागर सिंह ने एक मुकाम बनाया हुआ है, एक पहचान बनाई हुई है नवयुवक समाज के बीच में, किसानों बीच में और मजदूर वर्ग के बीच में। बात करेंगे सागर सिंह जी से कि आपने अभी तक पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर वर्ग लगातार होता है हर तरह परेशान, उसके बारे में विचार कैसे रखेंगे, कैसे उसका आगे का हित हो सके? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने पुराने काम की लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया, तो बहुत ही कम लोग करते हैं। देखिए, मजदूर, किसान और युवा, इन ये सब कड़ी से कड़ी जुड़ी है। अगर युवा बेरोजगार रहेगा तो किसान बेरोजगार रहेगा, फिर किसान बेरोजगार रहेगा तो मजदूर बेरोजगार रहेगा, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए। जैसे कबरी क्रेशर मंडी का ही हाल, जब क्रेशरें बंद हो गई, किसान क्रेशर मालिक ब्लैकलिस्टेड होना चालू हुआ बैंक में, वो उन्होंने मजदूर हटाने चालू कर दिए। जब मजदूर हटना चालू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका असर फिर नीचे तबके के व्यापारियों पे आता है, जो राशन की दुकानें या ठेलियाँ या सब्जी की रेहड़ियाँ लगाते हैं। प्रयास ये रहेगा कि सबको साथ लेके, सबको साथ मिलकर चला जाए, सिर्फ नारा नहीं रहेगा, सबका साथ सबका विकास, सबकी समस्या सुनी जाएंगी, सबके लिए काम किया जाए। कोरोना काल में सागर सिंह जी के द्वारा लगातार सभी समाज के लोगों को बिना किसी जाति भाव के, भेदभाव के, हर एक का सहयोग किया और लगातार देखा जाता है कि हमेशा ये लड़कियों की शादियों में पूरा सहयोग करते हैं। ये विचार आपके मन में कहाँ से आया कि लड़कियों की शादी में सहयोग किया जाए? लोगों को जब ये पता चला कि मैं कहीं ना कहीं कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था लोगों को राशन देने में और दवाइयाँ बांटने में, फिर जगह जगह से लोगों के पास मेरे पास संदेश आने लगे, कभी फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, कि मेरी लड़की की शादी है, क्या आप कुछ सहयोग कर सकते हैं? अगर जगह होती है, गुंजाइश होती है, तो मैं करने का प्रयास करता हूँ। और इसमें मुझे लगता है कि जब कोई मुख्यमंत्री कन्या विवाह भी होते हैं बड़े बड़े स्तर पे, हम छोटे स्तर पे क्यों नहीं कर सकते? जब वो लोग संगठित होकर कुछ कर सकते हैं, एकल भी कर दिया जा सकता है, इसलिए करता हूँ। कुछ नए उद्योगों के बारे में आपने विचार किया, कैसे अब विधायक बनने के बाद में, जीत हासिल करने के बाद में, आप किस प्रकार से नवयुवकों को, किसानों को, मजदूरों को कैसे एक नया रोजगार दे सकेंगे, ऐसा कुछ प्लान मन में सोचा है आपने? जी, मैं ये चाहता हूँ कि बुंदेलखंड का किसान अगर संगठित हो जाए तो उसको संगठित होकर कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई रेल नहीं फूकनी, उसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास करना है कि उसके जो 20-20 बीघे के चक हैं, 40-40 बीघे के चक हैं, उनको वो 400 बीघे में बदल ले, किसी तरह लोगों को संगठित कर ले। अगर वो 400 बीघे में बदल लेगा तो उसकी तारबारी का खर्चा कम हो जाएगा, उसकी रखवाली का खर्चा कम हो जाएगा, हार्वेस्टर से उसकी कटाई करवा पाएगा, हो जाएगी, कितना ही कहना है। किस तरीके से उसका उपाय? यही है, वहाँ पर समस्या बोर की है, जो बोर किए जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कानपुर से यहाँ तक आपके लिए पाइपलाइन डाल दूंगा, पर प्रयास ये रहेगा कि बेहतर टेक्निकल टीम बुलाई जाए, जो ग्राउंड वाटर सर्वे अच्छे से कर पाए और उस तरह से हम उस समस्या का हल करना चाहें। दस्तक अभियान चलाया तो लगातार 1.5 साल से चल रहा है, उसके बाद पार्टी ने हमारे कुछ कार्ड डेवलप किए हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्ड है, लड़कों के लिए रोजगार कार्ड है, जो उन कार्ड बना के हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको अपने नेटवर्क में लाते हैं ताकि उनसे बराबर संपर्क बना रहे, उनकी कोई सहायता सहयोग हो तो हम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि हम बराबर प्रशासन से ये सहयोग मांग रहे थे कि हमारा टिकट डिक्लेयर हो चुका है, हमें LED वैन की परमिशन दी जाए, जो चुनाव आयोग ने भी कहा था कि डिजिटल माध्यम से प्रचार करने के लिए प्रत्याशियों को जागरूक होना पड़ेगा, पर हमें आज तक कोई परमिशन नहीं मिली। आज जाकर हमने RO साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि यहाँ परमिशन आपको शाम से मिलने लगेगी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर चुनाव आयोग कथनी और करनी में अंतर ना करे, अगर वो चाहता है डिजिटल माध्यम से प्रचार हो
तो ये 10 दिन पहले हमें डिजिटल वैन की परमिशन मिल जानी चाहिए थी। और मेरा पूरा फोकस फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे है, उसमें हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं, बढ़ चढ़ कर लोग समर्थक के तौर पर हमसे जुड़ रहे हैं और निरंतर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इसी तरह का प्रचार मेरा पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में चल। हरिशंकर सेन समाज सेवी श्रीनगर की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।